आज हम बनाएंगे मस्कमेलन आइसक्रीम। जैसे मैंने आपसे कहा था, मैं ट्राई करूंगी हर एक चीज झटपट वाली आपको बताने के लिए। उसमें से है मस्कमेलन आइसक्रीम और बहुत बहुत टेस्टी है वो। तो लेट्स सी हमें क्या चाहिए उसके लिए। हाफ लीटर मिल्क, हाफ कप कंडेंस्ड मिल्क, होममेड है वो, और 1/3 कप मिल्क पाउडर, हाफ मस्कमेलन पल्प, 1 कप फ्रेश क्रीम और स्मॉल कप पाउडर शुगर। हाफ लीटर मैंने मिल्क लिया है, इसलिए मैंने हाफ मस्कमेलन यूज किया है। अगर 1 लीटर आप मिल्क लेंगे तो आपको पूरा बड़ा वाला मस्कमेलन लेना है। सबसे पहले मैं गैस ऑन करूंगी। मैंने पैन लिया हुआ है, हाफ लीटर मिल्क डालूंगी मैं। मुझे गैस लो फ्लेम पे रखना है। हाफ कप कंडेंस्ड मिल्क, वन थर्ड कप मिल्क पाउडर, मैंने इसमें चीनी नहीं डाली है क्योंकि इसमें कंडेंस्ड मिल्क है वो स्वीट होता है, इसलिए मैंने इसमें चीनी नहीं डाली है। और ये एकदम अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, फिर हमें गैस बंद कर लेना है। इसी तरह से कंप्लीट मिक्स होना चाहिए हमारा ये सारा मिश्रण, मिक्स हो जाए, खुद गर्म हो चुका है। अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी। ये रूम टेम्परेचर में हमें ठंडा करने रखना है, तब तक मैं दूसरा मिश्रण तैयार कर लेती हूँ। अब मैं हाफ मस्कमेलन लूंगी। ये मैंने मिक्सर में ग्राइंड करके रखा है, सीड्स निकाला हुआ है, इसका पल्प मैंने रेडी करके रखा है। फुल 1 कप फ्रेश क्रीम, आप घर की मलाई भी यूज कर सकते हैं। स्मॉल कप पाउडर शुगर, अब मुझे इसे स्मूथ करने के लिए कंप्लीट 10 मिनट्स तक हिलाना है। आप वैनिला एसेंस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं फ्रूट प्रेमी हूँ, मुझे कंप्लीट फ्रूट फ्लेवर अच्छा लगता है, तो मैं एसेंस नहीं डालूंगी। ये 10 मिनट हमारा रेडी हो चुका है। आप बॉस से भी घुमा सकते हैं, बीटर भी घुमा सकते हैं, हैंड मिक्सी भी आप यूज कर सकते हैं। अब ये हमारा रूम टेम्परेचर में भी रेडी हो चुका है। ये वाला मिश्रण भी हमारा रेडी है, दोनों को मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से मैं 5 मिनट तक मिक्स करूंगी। और ये जब आप मिक्स करें तब आप सिर्फ देख लीजिए कि आपको और चीनी पाउडर की जरूरत है। इसे मैं 5 मिनट तक हिलाते रहूंगी। मस्कमेलन वाला मिश्रण कंप्लीट रेडी है आइसक्रीम के लिए। हम
इसे पोर करेंगे। अब मैं इसे फॉइल से पैक कर लूंगी। और अब मैं इसे डीप फ्रीजर में 12 घंटे के लिए रख दूंगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें एल्यूमिनियम का बर्तन ही चाहिए, हम कोई भी प्लास्टिक के बर्तन में भी आइसक्रीम रेडी कर सकते हैं। ये मैंने आपके लिए रेडी करके रखा है। ये हमारी मस्कमेलन आइसक्रीम रेडी है। ये मैंने प्लास्टिक के इसमें रेडी करके रखा था।